हम सभी का जीवन कठिन है, लेकिन जंगलों में रहने वाले जानवरों का और भी कठिन हो जाता है। जंगल में रहना हर एक जानवर के लिए चुनौती है, और सभी जानवर खुद को जीवित रखने के लिए दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। शिकारियों से बचने के लिए जानवर कई तरीके से विकसित हुए हैं और ढेर सारे तरीके अपना लिए हैं ताकि वो अपना बचाव कर सकें। जी हाँ, स्वागत है हमारे चैनल पर, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जानवरों के सबसे अजीब बचाव करने के तरीके। नंबर एक पर है हॉर्न लिजर्ड। ये जीव दिखने पर ऐसा लगता है कि किसी गिरगिट, मेंढक और भयानक एलियन का मेल हो। हॉर्न लिजर्ड मेक्सिको और साउथ अमेरिका के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये भयंकर दिखने वाले जीव इतने आलसी होते हैं कि चींटियों का भी शिकार नहीं करते, जो इनकी रोजाना भोजन है, बल्कि ये उनके घरों पर हमला कर उनका सेवन करते हैं। इनकी धीमी गति के कारण इनका शिकार करना बहुत ही आसान हो जाता है, और इन सबसे बचाव करने के लिए ये छलावाद का उपयोग करते हैं। और अगर ये भी काम ना आए तो ये अपने सबसे गुप्त हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं। ये जीव अपने आँखों से असली खून दूसरे जीवों पर स्प्रे कर सकते हैं, एकदम किसी भूतिया मूवी की तरह। आपको बता दें, जब इन्हें किसी शिकारी का आभास होता है तो ये अपने सिर के ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर प्रेशर इकट्ठा करते हैं, और फिर उसी प्रेशर से अपना खून शिकारी पर स्प्रे कर देते हैं। इनके खून में जलन और दर्द प्रेरित करने वाले उत्पादन होते हैं, जिसके कारण शिकारी तुरंत वहां से भागा चला जाता है। एक स्टडी के दौरान ये भी पता चला कि खून स्प्रे करने के बाद ये अपना 30% वेट लॉस कर देते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि कुछ ही घंटों में ये इन्हें वापस भी गेन कर लेते हैं। नंबर दो पर है पेबल टोड। पेबल टोड्स साउथ अमेरिका की नदियों की पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जहां पर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा और पहाड़ों की हाइट भी। हाँ, चलिए मान लेते हैं कि आपको इन्हें देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन सर्कस के मालिक पेबल टोड्स को बेहद पसंद आएंगे। इसका एक कारण है कि इनके चढ़ने के तरीके बहुत ही सटीक है, और पहाड़ों पर चढ़ते समय ये बहुत ही गंभीर होते हैं। पेबल टोड्स के सबसे बड़े दुश्मन टरांटुलस होते हैं, जो बहुत ही तेजी से पहाड़ों पे चढ़ान करते हैं और बहुत ही तेजी से शिकार भी करते हैं। पेबल टोड्स बहुत ही धीमी गति से चढ़ाई करते हैं, तो जब ये टरंटुलस को देखते हैं तो अपने पूरे शरीर को मोड़कर अपना बचाव करते हैं। शरीर को चढ़ान के वक्त मोड़ने की वजह से ये पहाड़ों से गिर जाते हैं। टोड्स के मजबूत मसल्स और बहुत ही कम वजन के कारण इन्हें कुछ भी नहीं होता, और कई बार ऐसा होता है कि ये पानी में गिर फिर से अपना चढ़ान शुरू कर लेते हैं। नंबर तीन पर है इलेक्ट्रिकल ईल। ये खतरनाक समुद्री जीवों में से एक है। आपको ये बता दे कि आप कंफ्यूज ना रहें, ये कोई साधारण ईल नहीं है जिन्हें आपने सुशी में डालकर खाते हुए देखा होगा। ये उन ईल से अलग है। इलेक्ट्रिकल ईल साउथ अमेरिका के नदियों में पाए जाते हैं। कभी कभी इनका वजन 20 किलो तक पहुंच सकता है, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये बिजली जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। और भी कई मजेदार बातें हैं, जैसे कि ये साधारण मछलियों की तरह अपने गिल से ऑक्सीजन नहीं लेते, बल्कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन से जीवित रहते हैं। यही कारण है कि इन्हें पानी के सतह पर हर 15 मिनट बाद देखा जाता है। कई रिसर्च द्वारा ये भी बताया गया है कि इनके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक घोड़े जैसे जानवर को बेहोश कर सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा हैरानी होगी जब आप इनके बचाव करने का तरीका जाने। जब भी ईल्स पर हमला किया जाता है तो ये ईल 860 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हैं, और यही बात शिकारी को डरा देती है। मछलियां ही नहीं, टर्टल्स और मगरमच्छ भी इनसे दूर रहते हैं। हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या आप इन्हें कभी पकड़ना चाहेंगे। नंबर चार पर है रफ स्किन न्यूट। अब हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि एक अडल्ट न्यूट के स्किन पे जो जहर होता है वो 25,000 लेबोरेटरी माइस और 11,000 लोगों को मार सकता है। ये सब देखकर इसका तात्पर्य ये भी है कि साइनाइड, जो इंसानों के लिए सबसे विषैला होता है, अब ये न्यूट उससे भी घातक है। इनके स्किन के जहर को टेट्रोडॉक्सिन कहते हैं, और ये पफर फिश में पाए जाते हैं। आपको बता दें, टेट्रोडॉक्सिन ब्रेन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान के दिल का धड़कना और फेफड़ों का ऑक्सीजन लेना बंद हो जाता है। रफ स्किन न्यूट दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक है, और किसी भी जीव को मार सकते हैं जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहे। कई लोग ये भी कहते हैं कि पुराने जमाने में इनका विष का उपयोग इंडियन आदिवासी द्वारा किया जाता था, अपने शिकार और दुश्मनों को मारने के लिए। नंबर पांच पर है हैगफिश। अगर आप एक बार भी इस जीव को देख ले तो आप जरूर डर कर कांप उठेंगे। हैगफिश के पास भी एक गुप्त हथियार होता है। दिन के समय विश्राम करते हैं और रात को अपने शिकार करने निकलते हैं।
बहुत बार इन्हें बीमार और कमजोर मछलियों पर वार करता हुआ देखा गया है, लेकिन जब भी कोई बड़ा जीव इन पर हावी होता है तो ये उनके फेफड़ों में जाकर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, अपना जहर छोड़कर उनकी हत्या कर उनके शरीर के बाहर आ जाते हैं और फिर उनका ही सेवन करते हैं। तो ये थे 5 जानवरों की अजीब बचाव करने के तरीके। कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि इस लिस्ट में कौन सा जीव होना चाहिए था जो इन सभी से खतरनाक है। आपके कमेंट्स ही हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वीडियो लाइक करना ना भूले। आपका समय देकर हमें सुनने के लिए धन्यवाद।